आज इस वीडियो में हम आपके लिए एनिमेशन जॉनरे के कुछ और टॉप रेटेड मूवीज लाए हैं जिसको जरूर आपने देखना चाहिए। इस सीरीज का अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। द एडम्स फैमिली, ये मूवी 90s की बहुत फेमस कार्टून नेटवर्क पे आने वाला शो द एडम्स फैमिली का अडेप्शन है। एडम्स फैमिली हमेशा आइसोलेशन में रह के खुश रहते हैं। What a lovely morning. ऐसे ही कुछ सालों बाद उनके आसपास ह्यूमन सिविलाइजेशन हो जाती है। इसी बीच एक टीवी रियलिटी शो की होस्ट ह्यूमन सोसाइटी की हेल्प से उनके घर को तोड़ने का प्लान बनाती है। मेगामाइंड को मूवी में एक विलन दिखाया गया है। सिटी के सुपर हीरो मेट्रोमैन को हराने के बाद मेगामाइंड पूरे शहर पे राज करता है। कोई भी सुपर हीरो ना होने की वजह से मेगामाइंड बोर हो जाता है और वो खुद एक पावरफुल सुपर हीरो इन्वेंट करता है जो उसके साथ लड़ सके। उसका प्लान हालांकि बैकफायर करता है और वो सुपर हीरो एक सुपर विलन बन जाता है। टैंगल मूवी स्टोरी बताती है एक यंग प्रिंसेस के बारे में जिसके मैजिकल लंबे हेयर रहते हैं। प्रिंसेस को हॉवीवर उसकी माँ ने बाहर की दुनिया का डर दिखाया रहता है जिसकी वजह से वो टॉवर के अंदर ही बंद रहती है। चीजें तब बदलती है जब 80th बर्थडे पे वो डिसाइड करती है कि वो घर से बाहर निकल के दुनिया देखेगी। द ग्रूट्स, ग्रूग और उसकी फैमिली जनरेशन से केव्स में रहते हैं और एक रूल अडॉप्ट करते हैं कि केव को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। पर इसी बीच एक दिन अर्थक्वेक होने लगता है और उनका घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। नया घर ढूंढने वो एडवेंचर पे फैमिली के साथ निकल पड़ता है। का फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था 2013 में और अब सेकेंड पार्ट दिसंबर 2020 में रिलीज होने के लिए शेड्यूल्ड है। होटल ट्रांसिल्वेनिया, मूवी की स्टोरी होटल ट्रांसिल्वेनिया के बारे में है जिसका ओनर एक ड्रैकुला है। दुनिया भर के सारे मॉन्स्टर्स इसी होटल में अपना वेकेशन सेलिब्रेट करने आते हैं। इसी में अपने डॉटर का 118th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ड्रैकुला सारे मॉन्स्टर्स को इन्वाइट करता है होटल में। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब एक 21 साल का ह्यूमन लड़का उसके होटल के अंदर आ जाता है। कोरेलाइन 2009 की डार्क एनिमेटेड मूवी बेस्ड है कोरेलाइन नाम की लड़की के बारे में जिसे अपने पेरेंट्स का जरा भी अटेंशन नहीं मिलता। दूसरे घर में मूव करने के बाद उसे अपने पेरेंट्स जैसे दिखने वाले लोग मिल जाते हैं जो हर चीज करते हैं कोरेलाइन के लिए जो उसके रियल पेरेंट्स नहीं करते। मूवी रेगुलर एनिमेटेड मूवी से काफी हटके है और एक एडल्ट एज ग्रुप को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। मोआना मूवी दिखाई गई है पॉलिनेशियन नाम वाले विलेज के शेफ की डॉटर मोआना के बारे में जो अपने लोगों को बचाने एक डेमीगॉड की तलाश में निकल पड़ती है। मोआना के इसी एडवेंचर पे पूरी मूवी बेस्ड है। ऑनवर्ड मूवी बेस्ड है एक मैजिशियन की फैमिली के बारे में जिनमें दो भाई अपने मरे हुए डैड को सिर्फ एक दिन देखने के लिए एडवेंचर पे निकल जाते हैं। फादर फिगर की एब्सेंस में बार्ली अपने छोटे भाई इयान को लाइफ में हमेशा प्रोटेक्ट करता है और मूवी में दोनों के ब्रदरहुड को बहुत ब्यूटीफुली बताया है। टॉय स्टोरी सीरीज 1995 से 2019 तक टॉय स्टोरीज की फ्रेंचाइज में 4 मूवीज अब तक रिलीज हुई है। मूवी कंसेप्चुअली बेस्ड है कि अननोन टू ह्यूमंस सारे टॉयज अलाइव रहते हैं। मूवी प्रिंसिपली फोकस करती है एक मॉडर्न टॉय बस लाइट और एक क्लासिक टॉय शेरिफ वुडी पर जिसका वॉइस ओवर हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम हैंक्स ने किया है। इनसाइड आउट 11 साल की राइली की लाइफ और एक्शंस उसके 5 इमोशंस कंट्रोल करते हैं। Fly with me, Gacinha. पर इन्हीं इमोशन की गलती के वजह से सैडनेस वाला इमोशन राइली के कोर मेमोरी में परमानेंटली फिक्स हो जाता है। गलती को सुधारने इमोशंस इंटरनली कैसे एफर्ट्स लेते हैं इसी पे पूरी फिल्म बेस्ड है। तो ये थी हमारी टॉप 5 एनिमेटेड मूवीज। अगर आपको इनमें से एक भी मूवीज पसंद आई हो या ये वीडियो आपको जरा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।